हो गया क्या? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा तू? इतना गुस्सा क्यों कर रहे? एक पत्थर ही तो टूटा है। आशी, ये तो मैं लग रही हूँ। नीति ने बुला लिया एक और एक्सपर्ट भाई फिंगरप्रिंट्स मैच कराने के लिए। यहाँ पर हमने देखा ही था ना कि जिस लैब से उसने फिंगरप्रिंट्स मैच कराए थे उसे अंबिका और जो परी होते हैं वो पैसों से खरीद लेते हैं क्योंकि वो आके एंड टाइम पे मना कर दे। और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा स्टैचू ताकि हमारे दुनिया से जाने के बाद जब भी कोई बच्चा ऑर्फनेज में आए तो उसे पता चले कि उसे धूप में छांव देने वाली तुम हो। पत्थर नहीं है मां, मेरी परी का स्टैचू है। वो कहता है कि नहीं भाई मैच नहीं कर रहा था और मेरे को नहीं पता आप किस परी की बात कर रहे हो। यहाँ पर वो इस तरीके से बिहेव करने लगता है जैसे वो नीति को जानता ही नहीं है क्योंकि हमने देखा था ना परी ने कोरियर वाले से लिफाफा ले लिया, लिफाफे में से रिपोर्ट निकाल ली और भाई खाली एनवलप छोड़ दिया था। अब नीति के हाथ तो खाली एनवलप लग दिमाग है कि नहीं, काम करना नहीं आता। ये इस साइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरी परी का स्टैचू। देखो साहब, अगर आपको बात करनी है तो मैडम से बात करो। कौन सी मैडम? अरे साहब, हमें तो पार्वती मैडम ने इसे तोड़ने का ऑर्डर दिया है, शायद वो यहाँ अपनी माँ बड़ी मैडम की मूर्ति लगाना चाहती है। पर नीति भाई पहले से प्रिपेयर्ड है, अपने एक एक्सपर्ट को और बुला लेती है और वो कहती है परी से कि भाई परी अब मैं तेरा ना अपने सामने फिंगरप्रिंट कराऊंगी। और यहाँ पर भाई परी तैयार भी हो जाती है और जैसे ही फिंगरप्रिंट कराती है तो ये एक्सपर्ट भी मना कर देता है कि भाई मैच नहीं कर रहे। अब नीति के होश उड़े हुए, नीति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसलिए मैच नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर परी ने अपना हाथ जला लिया है। हर दिन कोई नया प्रमाण खड़ा कर देती है मुझे परी प्रूव करने के लिए। नीति के हाथ में फिंगरप्रिंट वाली रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। और भाई हाथ जल जाएगा तो जो उसके पासबुक में फिंगरप्रिंट्स हैं और जो उसके असली फिंगरप्रिंट्स हैं मैच करेंगे ही नहीं। और नीति को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। भाई हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि बड़ी सी पार्टी रखी है परी और अंबिका ने यहाँ पर परिवर्तन के लिए, क्योंकि परिवर्तन तो अब भाई राजीव से छिन गया और राजीव बहुत परेशान है। राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और जो परिवर्तन है वो परी और राजीव का सपना था। परी एक ऐसा घर बनाना चाहती है जिसमें जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो और ऐसे लोग जो बूढ़े हैं जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहें और उनको सारी सुविधा मिले। लेकिन भाई यहाँ पर तो उसका सपना पूरा नहीं होता है और हम देख ही रहे किस तरीके से यहाँ पर पार्टी हो रही है। और एक पार्टी में ना अब रोमांटिक डांस भी होने वाला है राजीव और परी का। अब ये रोमांटिक डांस देखे नीति का क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वैसे आप मुझे बताइए आपको परिनीति का एपिसोड कैसा लग रहा है।